Hi guys, welcome back to my channel. और आज के वीडियो में Myntra footwear haul होने वाला है और आपको 50 to 90% off मिलने वाला है इस footwear haul में. तो आप बहुत सारा अभी सेल आने वाला है, जाने वाला हो, make sure कि आप अपने सेल का लुफ्त उठाएं. और बहुत सारी अगर आपको footwear की नीड है, जरूरत है, तो आप यहाँ पे flats और heels यहाँ पे आपको मिल जाए. तो without wasting any more time, let's get started. Pairs total, I guess 7 to 8 pairs मैं आपको इस वीडियो में आज शो करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ. तो आप सबसे पहला जो पेयर है वो देख लो, और ये ब्रांड है एलन सोली से. तो आपको जो भी ट्राई ऑन है वो यहाँ पे साइड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा. तो आप देख सकते हो कि हाउ डज इट लुक ऑन माय फीट. एंड तो ये है एक पीच कलर का, यू नो लाइक क्विल्टेड है ये सामने, ये आपको ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, पीच कलर का है. और इसकी जो हील है ये ऐसे वुडन है, ठीक है, और इसका ग्रिप भी बहुत खूबसूरत है, लाइक आप गिरोगे नहीं इसमें बेशक. और इसकी हील भी जो है वो भी बहुत कम, तो आप ऐसे में भी नहीं गिरोगे. 2 इंच हार्डली होगा इसका हील, ठीक है. और ये जो है ये भी थोड़ा सा स्क्वायर है, बट यहाँ पे एजेस पे राउंडेड है, जिसकी वजह से ये आजकल जो ट्रेंड में है ना कि स्क्वायर टो आपको चाहिए, तो ये उसी डायरेक्शन पे ये फॉलो करता है, ठीक है. पीच कलर का है इसका जो बैंड है, आप देख रहे ये कुछ नहीं है. तो आप जब इसको वेयर करोगे तो यहाँ पे आपको फीट में कट होने की, जो बहुत ज्यादा शू बाइट होने की हम लोग की प्रॉब्लम्स होती है न्यू शूज पहनने पे या जैसे भी, वो हार्ड नहीं है. इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, तो आप इजिली इसको वेयर कर सकते हो. अच्छा, ये जो पेयर है ये मैं बोलूंगी कि इट इज वेरी वर्सटाइल, या आप एथनिक के साथ, फॉर्मल्स के साथ, या फिर अगर आप ऐसे यू नो लाइक कैजुअली कुछ पहन लिए तो उसके साथ भी ये अच्छे से पेयर अप हो जाता है. अच्छा, ये बाय द वे मैंने अपनी मॉम के लिए लिया था, तो आई आस्क्ड हर कि क्या आपको ये पसंद आया, तो शी सेड कि यस, ये मेरे किसी भी साड़ी लाइक मॉम्स नॉर्मली वेयर साड़ीज एंड सूट्स, तो उसके साथ भी ये वेयर हो जाता है. बिकॉज ये न्यूड कलर है अगेन, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि ओ व्हाट, किसके साथ मैं क्या पेयर करूँ, बिकॉज न्यूड कलर किसी भी टाइप के कलर्स के साथ ये पेयर हो जाता है. सो चलो, ये हो गया पहला पेयर, विच इज एलन सोली का. ये थोड़ा सा 2 इंच वाला हील का साड़ी. अब अगला जो है वो देखो गाइस, जो अगला वाला है वो इस ज़ैपेटोस ऐसे कुछ नाम है ब्रांड का, मिंत्रा पे की. और ये भी अगेन मैंने अपने मॉम के लिए लिया है, तो ये भी फ्लैट है. उनको मोस्टली फ्लैट से पहना अच्छा लगता है, सो शी इज नॉट मच इनटू हील्स, तो उनको 1-2 इंच का हील ही चलता है. ये भी, ये तो शायद कोई भी हील नहीं है, आई थिंक मैं बोलूंगी 1/2 इंच का हील होगा इसमें हार्डली. आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा, और यहाँ पे ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, फिश काइंड ऑफ, फिश के जो डिजाइन होता है उस टाइप का, स्केल टाइप है. और यहाँ पे ये रिबन टाइप का बना हुआ है. अच्छा, इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, इवन लैवेंडर कलर भी मिल जाएगा, बट यू नो लाइक फॉर मॉम्स, तो उनको ऐसे जो बेसिक कलर्स होते हैं ब्राउन ब्लैक वैसे ही पसंद होते हैं. अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो समथिंग यू नो लाइक फंकी कलर्स में, तो आपको येलो, मिंट कलर, देन लैवेंडर कलर, उसमें भी ये अवेलेबल है, ठीक है. तो लिंक्स तो आपको ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन कलर्स के भी मिल जाएंगे. अच्छा, मजेदार बात इस चीज के बारे में बोलूंगी, इसका जो ये ग्रिप है आप देखो कितना ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप दिया हुआ है, इट्स वेरी वेरी फ्रिक्शन वाला. इसका ये जो है ये भी आराम से कुछ नहीं टाइप का है, ठीक है, देखो ये मेरे फिंगर्स ऐसे मूव कर रहे हैं. तो ये पहन के आप इनको घंटों तक पहन के यू नो लाइक खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ भी करना है तो आप इनको पहन के जरूर से जरूर कर सकते हो. दीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, और बहुत इनएक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट था. तो गाइस, अब एक होम ग्रोन ब्रांड है Myntra से, विच इज रोडस्टर. तो रोडस्टर से मैंने 3 pairs ऑर्डर करे हैं, तो मेरे लिए है तीनों, तो देखते हैं कि वो कौन से हैं. तो गाइस, जो सबसे पहला रोडस्टर वाला शू है वो ये है. तो ये न्यूड है अगेन, कम्प्लीटली टैन न्यूड ब्राउन आप जो कह लो. अच्छा, इसके साथ ये एक दिक्कत है, मैं ये बोलूंगी सारे शूज अच्छे हैं, ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्ट के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है. ओनली थिंग इज कि इसका ये जो यहाँ पे आप बकल सिस्टम देख रहे हो, ये मेटल का है, ठीक है, ये थोड़ा सा यू नो लाइक गड़ता है, ओके, हाउ टू एक्सप्लेन इट, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा पोक करता है, इट विल नॉट क्रिएट सम शू बाइट और समथिंग, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे ये पोक करता है, तो मुझे इसकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लगी. अदरवाइज इट्स कूल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, और साइज काफी अच्छे से फिट की है. मेरी जो फीट है वो काफी ज्यादा छोटी है गाइज, तो मुझे यूजली फिट नहीं होते हैं बहुत सारे शूज, बट देन दिस रियली फिट मी वेरी वेल. तो अच्छा, अब आ जाते हैं इसका ये जो टेक्सचर है, ये पूरा प्लेन है, और ये यहाँ पे बस स्ट्रैपी है, बट थोड़ा सा स्टिफ स्ट्रैप्स है, मैं ये कहूंगी ये ऐसे डिजाइन है, ठीक है. जब मैं इसको ट्राई ऑन करके आपको दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं. यहाँ पे यूजली जो बकल सिस्टम होते हैं यहाँ पे जाके वो टाई अप होंगे, और इसके बकल्स ऐसे हैं, ठीक है. हील की बात करूँ तो हील अगेन ये 3 इंच का हील है, और ये ब्लॉक हील है, तो अगेन आपको इसको पहन के दिक्कत नहीं होगा. आप इसको पहन के वॉक कर सकते हो, शायद दौड़ भी सकते हो, और खड़े भी रह सकते हो इसको पहन के, आपको पेन बिल्कुल नहीं. जो आप कुशन देख रहे हो ये भी काफी सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा स्टिफ है मैं कहूंगी, बाकी मैंने जो आपको अदर ब्रांड्स के दिखाए हैं तो उससे ये थोड़ा सा स्टिफ है बेशक, बट आपको पेन नहीं कर रहा है और क्या चाहिए, राइट. तो ये भी काफी कुशन नहीं है, बट थोड़ा सा स्टिफ कुशन है, इफ यू मेक द डिफरेंस, ओके. तो ये काफी मुझे न्यू पेयर्स बहुत पसंद है, लाइक ऐसे स्पेशली अगर बगल वाले हो तो आप ट्रैवलिंग के लिए, अगर आप ट्रेन से फ्लाइट से कहीं पे जा रहे हो, आप दौड़ा भागी करके कहीं पे जा रहे हो ना ट्रैवल पे, तो यू नीड समथिंग ऐसे बगल वाले, आप ऐसे ओपन वाले पहन के नहीं जा सकते हो. अच्छा, इसके साथ एक और चीज अच्छा मुझे ये लगता है कि ये कलर, बिकॉज ऑफ दिस कलर किसी भी टाइप के अटायर के साथ, वेस्टर्न को किसी भी चीज के साथ ये चल जाएगा,
जब आपके दिमाग में कोई और भी इशू नहीं आ रहे कि इसके साथ क्या वेयर करो, तो आप इसको पहन के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी यू नो लाइक वर्सटाइल कलर है, और जो फुटवेयर है वो भी काफी ज्यादा वर्सटाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का। तो गाइस जो इसका अगला वाला पेयर है रोस्टर से ही, वो सिमिलर स्टाइल पे है बट थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, इसका लुक डिफरेंट है और कलर ऑफ कोर्स डिफरेंट है। सो इसका कलर ये न्यू पिंक कलर का स्ट्रैपी की नीड्स है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है व्हेन यू वेयर, और इसके साथ आप लैवेंडर मॉव किसी भी टाइप के जो अटैच होते हैं उसके साथ ये बेशक चला जाएगा। आप कुर्ती के साथ पहन सकते हो, आप साड़ी के साथ पहन सकते हो, आप वेस्टर्न पहन सकते हो, फॉर्मल पहन सकते हो, कैजुअल कुछ भी आप पहन दो, ये सबके साथ चला जाए। जो ये सामने आप देख सकते हो ये भी स्क्वायर टो है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट में जाकर राउंड हो जाता है बट अदरवाइज इट इज अगेन स्क्वायर टो पैंट। और इसका यहाँ पे ये जो है ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पे अगेन दो स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जस्ट फॉर अ गुड होल्ड ओवर हियर। एंड यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग भी अगेन इसके लिए कुशन काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और ये बिल्कुल भी जो फीट है उसको दर्द नहीं लगेगा, आप इसको पहन के वॉक कर सकते हो इसे। अच्छा, इसके साथ भी इसका जो ये है बकल जो है, सो आपको जो मैं ट्राई ऑन दिखा दूंगी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये थोड़ा सा एंकल पे जाके बंद हो जाए, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत पेयर है, और आप इसको अगेन किसी भी चीज के साथ इसको पेयर कर सकते हो। मैंने आपको जो भी दिखाना है सारे वर्सटाइल पेयर्स है। अच्छा, जो अगला पेयर है वो काफी ज्यादा फंकी कलर में। तो गाइस अगर आप पूरा व्हाइट पहन रहे हो, लाइक व्हाइट कुर्ता या व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट ट्राउजर्स, ऐसे कुछ अगर आप व्हाइट कंप्लीटली पहन रहे हो एंड आपका जो आउटफिट है वो काफी ज्यादा फीका लग रहा है, तो दिस कम्स टू योर रेस्क्यू। ये मस्टर्ड कलर के हील्स है, स्ट्रैपिंग हील्स है, और इसकी भी खूबी वही है कि इसका भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका भी जो यू नो लाइक कुशन है वो भी काफी सॉफ्ट है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी स्टिफ है बट ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। जो हील है ये भी वही 3 इंच का हील है, ठीक है। ये पॉपअप कलर अगर आपको चाहिए आपके अटायर में तो आप बेशक इसको वेयर कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट कलर चाहिए कि मैंने कुछ यू नो लाइक टॉपर्स कलर का पहना है या फिर कुछ ब्लू है ग्रीन पहना है, तो उसके साथ ये मस्टर्ड कलर बहुत ही खूबसूरती से मतलब खिलता है। रेड के साथ भी देखो, मैंने रेड टॉप पहना है, रेड के साथ भी ये बुरा नहीं लग रहा है। इफ यू वांट टू पेयर इट विद रेड आल्सो यू कैन गो विद इट। एंड देन इसका भी ये बकल सिस्टम है, बट ये जैसे पिछले वाला मैंने दिखाया था कि एंकल पे जाके एंड होता है, ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसका ये जो है ये भी स्ट्रैप्स है, आप इसको जैसे देखो इस टाइप के स्ट्रैप्स है, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है, तो आप इसको भी वेयर करोगे तो आपको शू बाइट होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पे आपने फीट रखा है आपके फिंगर्स वगैरह पे अगर बाइट हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये पीछे भी ये जो है ये भी यहाँ पे कवरिंग दी हुई है, तो अगेन यहाँ पे भी आपको शू बाइट होने की वैसे कोई स्ट्रेस नहीं। तो मुझे ये पर्सनली काफी पसंद आया ये वाला जो पेयर है, एंड उसके साथ एक पॉप ऑफ कलर चाहिए जस्ट टू एम्प अप योर लुक, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीस काइंड्स ऑफ कलर। अच्छा, इसके भी कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, आई थिंक रेड या पिंक उसमें भी अवेलेबल, हॉट पिंक वगैरह पे। मुझे ये मस्टर्ड कलर पसंद आया तो मैंने ये। गाइस जो अगला पेयर है मिंत्रा से वो है बाटा का, और बहुत ही बेसिक सा मुझे एक स्नीकर लेना था। मैंने आज भी पे भी आपको स्नीकर दिखाया, आई एम अ स्नीकर काइंड ऑफ पर्सन, नॉट अ बूट काइंड ऑफ पर्सन, जिसकी वजह से मैं स्नीकर कुछ भी ले लेती हूँ ना तो उसके साथ एक स्नीकर तो पक्का ले लेती हूँ, और मैं लाइट कलर्स में उतना लेना प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने एक पिच ब्लैक कलर का एक स्नीकर लिया एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल, और ये यहाँ तक है थोड़ा सा हाई है, आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है ये थोड़ा सा ऊपर। तो अगर आप विंटर्स में इसको पहनना चाहते हो तो बेशक आप सॉक्स वगैरह के साथ इसको वेयर कर सकते हो, आप इसके साथ रनिंग कर सकते हो, यू नो लाइक वॉकिंग कर सकते हो, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये, देखो ऐसे है, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो और इसका ये जो सोल है ये भी काफी ज्यादा स्मूथ है, तो इसको पहनने के बाद आपको कोई भी पैर में दुखेगा नहीं, आपकी जो यू नो लाइक फीट है जो अच्छे से वेल रेस्टेड रहेगी, तो इसको पहन के भी कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। और ये वेल रेप्यूटेड ब्रांड से आती है, बाटा से मैंने ये लिया है बट मिंत्रा से ठीक फैब्रिक का ही बना हुआ है, यहाँ पे बस ऐसे डिजाइन बने हुए, 3 लाइन बने हुए, तो ये भी काफी मुझे पसंद आया। ओके गाइस, तो अब जो सेकंड लास्ट पेयर है मिंत्रा से, तो वो है ड्रेस पेरी से, और ये मैंने एक फ्लैट लिया था बट काफी फैंसी है फॉर अ फ्लैट। तो अगर आप फेस्टिव वेयर के लिए लेना चाहते हो और फ्लैट लेना चाहते हो, इवन फॉर वेस्टर्न वेयर बट पार्टी वेयर आपको फ्लैट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। ये डेली वेयर के लिए वैसा कुछ खास नहीं है बिकॉज दिस लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये गोल्डन से ना ऐसे स्टडेड है, ऐसा ही आपको सिल्वर में मिल जाएगा, ये बेज एंड गोल्डन है बट आपको ऐसा सिल्वर और यू नो लाइक ग्रे में मिल जाएगा, सिल्वर और ग्रे के कॉम्बिनेशन में, और ये बेज और गोल्डन कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है गाइस। और फीट पे अगर आपकी फीट मतलब ओपन रखना आपको पसंद है देन ये तो मतलब आपकी फीट को चार चांद लगाने वाली हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। और इसका भी जो कुशन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो कि मेरे फिंगर्स जो है ऐसे बेंड हो गए हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा इसका कुशन जो है वो सॉफ्ट है। और इसके साथ इसकी जो सोल आती है ग्रिप जो है वो भी काफी अच्छी है, देखो यहाँ पे ऐसे डिजाइन बनी हुई, देखो ये मतलब हील बिल्कुल भी नहीं है, इसको बोल सकते हो 0.2 इंच, उतना छोटू सा एक हील है अगर हील है भी, तो इसको मैं फ्लैट ही कहूंगी, फ्लैट्स ही लिए हैं मैंने इसके लिए। तो इसका भी ट्राई ऑन आपको दिख जाएगा साइज के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा टॉल हो और आपको हील्स नहीं चाहिए बट आप सीक्वेंस ड्रेस के साथ कुछ फ्लैट्स काइंड ऑफ आप सर्च कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर दीज। ये सूट के साथ, कुर्ती के साथ, साड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छे से पेयर हो जाएगा। गाइस मैंने आपको आज ही हॉल में दिखाया था कि मैंने स्टीव मेवन से एक फुटवेयर लिया था, तो उसी तरह से एक जो डिजाइनर ब्रांड है मिंत्रा पे भी मैंने देखा कि एली इज वन ऑफ द डिजाइनर ब्रांड्स। तो एली ब्रांड ये यूके का ब्रांड है,
तो उससे भी मैंने एक फुटवेयर लिया एंड उसका मैं आपको बॉक्स दिखाना चाहूंगी सबसे पहले बिकॉज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत उसका बॉक्स है। तो बॉक्स ऐसा दिखता है, यहाँ पे ई एल एल ए लिखा हुआ है, एली एंड पैरिसियन लाइफ स्टाइल, ठीक है। और ये आई थिंक एली पैरिस की ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पूरी पैरिस की जो वो यहाँ पे बॉक्स की मिले देखा, इतने खूबसूरत से यहाँ पे बना हुआ है, मुझे तो इस बॉक्स से बहुत प्यार हो गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से ये आया है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, तो आई रियली एक्नॉलेज की अच्छे से पैकिंग अगर होके आता है तो उसका एक फील भी अलग आता है। तो गाइज ये जब मैंने इसको ओपन करा तो ये अच्छे से एक रैपर के अंदर रैप होके आया है, आपको भी इसी टाइप से मिलेगा व्हेन यू बाय एनी काइंड ऑफ एली प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ई एल एल ई एली पूरा पूरे पेपर में लिखा हुआ है। वंस आई ओपन दिस तो देन आई गेट माई शूज एंड ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हॉट रेड कलर का, हॉट पिंक आपने सुना है या हॉट रेड है, एकदम चिली रेड है, तो वेरी सेक्सी कलर आई वुड से। तो आप इसको देखो, इसमें ऐसे ये अंदर ऐसे जो कूड़े डाले हुए रहते हैं जस्ट मेंटेन द शेप ऑफ योर बैग्स और शूज, उसी तरह से ये डाले हुए हैं। इसके अंदर दूसरा पेयर भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ सो दैट अच्छे से दिख जाएगा। तो ये टाइप से है, ठीक है। और ये पेटेंट वाला जो होता है, जो शाइनी मटेरियल होती है, उस टाइप का ये फॉल लेदर है, ये रियल लेदर नहीं है, और ये जो है ऐसे है, ठीक है, ठीक है। और इसका ये बैक में ये भी काफी ज्यादा अच्छे से ग्रिप दिया हुआ है, तो इसकी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। और ये जो है यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि हाई हील्स के साथ आपको सामने भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो आपको पहनने में आसानी होती है, चलने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी आपको ऐसे सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा विड्थ यहाँ पे आप देखो, नॉर्मल शूज एकदम ग्राउंड को टच करते हैं, बट ये जो है यहाँ तक ये थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। और इसका ये जो है ये देखो, लुक एट द हील्स, इट्स टू ब्यूटीफुल। और इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, इसमें लैवेंडर है, ग्रीन, मुझे ये रेड चाहिए था, रेड फुटवेयर एक स्टेटमेंट फुटवेयर होता है, तो अगर आपको इस टाइप का चाहिए कुछ तो आप ये बेशक ले सकते हो। इसके साथ दूसरे डिजाइन भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें ऐसा नहीं रहेगा, कुछ और पैटर्न रहेगा बट इसी कलर का मिल जाएगा, तो आपको वैसा भी मिल जाएगा, ठीक ऐसा है, ठीक है। तो ये दिखने में देखो ये काफी खूबसूरत लगता है, कूल है, इट्स वेरी कूल। तो इसका भी मैं आपको ट्राई ऑन दिखा दूंगी, तो आप साइड स्क्रीन पे देख लेना, बहुत ज्यादा सुंदर है ये। बट इसके साथ आप हर चीज नहीं पहन कर सकते, यही इसकी एक प्रॉब्लम है। बट वंस इन अ व्हाइल इफ यू वांट समथिंग टू वेयर रेड, लाइक रेड लिप्स एंड रेड शूज, अगर आपको वैसा पसंद है तो आप बेशक इसको वेयर कर सकते हो। और इसका ये जो कुशन है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, आपको ये ब्रांडेड डिजाइनर ब्रांड्स के बारे में सोचने ही नहीं पड़ेगी गाइस। तो ये सारे मैंने आपको दिखाए, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कौन सा जो पेयर है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, बाय गाइस।